गई हूँ मैं क्या यस मैम आप फ्रंट पे ही चलिए सभी साधकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया और लास्ट टाइम तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते मैं जुड़ने की कोशिश करती रही और मेरे जो ईयरफोन की आवाज चंदा ये पंकज को पहुंची नहीं और सेशन एंड कर दिया था तो आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन द सेशन तो वो लेकिन थोड़ा सा थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग मिस कम्युनिकेशन हो गया खैर एनीवेज तो आज जो है आ, करते हैं अपना शुरुआत और सभी साधकों के बीच आके आई एम फीलिंग रियली गुड और हमारी हेल्दी चाइल्ड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हेल्दी चाइल्ड में हमने जो है आ, थोड़ा सा हेल्दी चाइल्ड की सीरीज में आज पार्ट टू है पार्ट वन में जो है कंसीव करने से पहले प्री जो है हेल्थ का इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताया था और अब जो है उसका क्रम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि प्रकृति में कितनी सुंदर व्यवस्था है कि बच्चे के पैदा होने से आ, के साथ साथ प्रकृति ने उसके भोजन की व्यवस्था माँ के दूध के रूप में कर दी होती है और ये जो ब्रे, आ, ब्रेस्ट मिल्क है आ, इस आ, मिल्क का जो है आ, कितना सुंदर प्रकृति ने व्यवस्था की है कि पहले बहत्तर घंटे में बच्चे के पैदा होने के बहत्तर घंटे के भीतर उस समय बच्चे को जो है भूख नहीं लगती लेकिन पेट की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए माँ का दूध ही पहली चीज है जो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए और ये पहले बहत्तर घंटे में जो डिलीवरी के बहत्तर घंटे के बाद जो पहला जो थिन येलो कलर का फ्लूड जो माता के ब्रेस्ट से निकलता है कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसके भीतर एक डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट होता है कि बच्चे के पेट की गंदगी दूर करता है वो साथ ही साथ उस Uh, पहले मिल्क में जो है एंटीबॉडीज uh, होती है जो uh, बच्चे के आने वाले जीवन में इंफेक्शन है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की और इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता जो है uh, होती है और इसीलिए सबसे पहले जो है बच्चे को बच्चे के पेट में कहा जाता है कि माँ का दूध ही जाना चाहिए और पैदा होने के बाद कम से कम छह महीने आठ महीने तक एक माता को जो है ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए क्योंकि जो माँ का दूध है उसके भीतर जो है ये एक रॉ मटेरियल जो मां का दूध बनता किससे है जो माँ के भीतर जो आ, क्या कहते हैं ब्लड स्ट्रीम है उससे न्यूट्रिएंट्स लेके जो है वो दूध बनता है और अगर पोषक तत्व लेती है सही मायनों में तो वह मिल्क जो है वो दूध जो है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और उसका जो कॉम्पोजिशन है देखिए क्या खूबसूरत प्रकृति का वरदान है ये कि ये जो मदर्स मिल्क है वो हर बच्चे का जो है एक तरह से कस्टमर गस्तमा, कस्टमाइज्ड है उस बच्चे के लिए उस बच्चे की नीड फुलफिल करने के लिए और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसी तरह से माँ के दूध का जो कॉम्पोजिशन है वो भी निरंतर बदलता रहता है चेंज होता रहता है और खूब सारे मिनरल्स विटामिन विटामिन ए ई सी आयरन की भरपूर मात्रा कैल्शियम जिंक इन सभी एलिमेंट्स की जिसकी के आ, पैदा होते ही एक शिशु को बहुत आवश्यकता होती है उसकी ग्रोथ के लिए उस आ, सारे तत्वों का जो है आ, प्रबंध जो है देखिए माँ के दूध में होता है और माँ के दूध की क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है ब्रेस्ट फीड जब बच्चा करता है तो ये देखिए पैदा होते ही बच्चे को कोई नहीं सिखाता जो उसका सकिंग एक्शन है दूध पीने के लिए वो एक्शन जो है मैसेज भेजता है को और पे जब मैसेज जाता है सकिंग एक्शन से तो हाइपोथैलमस जो है पिट्यूटरी को जो हमारा मास्टर ग्लैंड है उसको मैसेज भेजता है और तब जो पिट्यूटरी है ब्रेन से जो है सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नामक जो है दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे के मिल्क में मिल्क बनता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध जो है उस रेजर में जो बिहाइंड द एरियोला होता है वहां पर वो दूध स्टोर होता है और वो देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत मैकेनिज्म पैदा होते ही बच्चे को ये मालूम होता है कि किस तरह से सक करना है और किस प्रकार से जो है हमारे भीतर का महिलाओं का मैकेनिज्म जो है खुद ब खुद सुचारू रूप से और उस बच्चे की जो पैदा हुआ है आया है जीवन प्रदान हुआ है उसे उसकी भोजन की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो जाती है अब बच्चे के पालन पोषण में फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माँ का जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखा गया है परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स को होती हैं अगर माँ का दूध जो है गुड क्वालिटी नहीं है माँ का दूध गुड क्वालिटी कैसे बनेगा लेक्टेटिंग मदर जो है उसके भोजन में जो है अतिरिक्त पर्याप्त जो है पोषक तत्वों का अगर समावेश नहीं है हरी पत्तियां हो चाहे वो नट्स हो चाहे वो होल होल सीरियल्स हो तो वो पोषक तत्व से उसका माँ का दूध जो है आ, आ, कम रह जाएगा उसमें कमी आ जाएगी और ऐसा दूध पी के बच्चे के जो वर्धन में आ, वहां पर जो है जैसे कि अगर माँ के दूध में कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है तो जो बच्चा है वो उसके दांतों में विकार आ जाता है हड्डियों में विकार आ जाता है तो देखिए भोजन का यहाँ पर कितना महत्व है कि एक दूध पिलाने वाली माँ का जो है भोजन अः उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका जो दूध पिलाते समय कभी भी ये भी कहा जाता है कि कभी भी दूध पिलाते समय माँ को जो है इमोशनल आवेग आवेश में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यदि अगर हमारा अगर मन जो है तनाव में है और कई गुस्से में या स्ट्रेस में या ओवर वर्क में माँ थकी हुई है तो ऐसी स्थिति में जब माँ दूध पिलाती है तो वो जो टॉक्सिक मैटर है जो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी रिलीज करती है तो वो माँ के दूध में आ जाते हैं अब ऐसा दूध बच्चा अगर पिएगा तो उसके जो स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य पे तो उसके बुरा असर होगा ही साथ साथ उस बच्चे के स्वभाव पे भी असर होगा सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का uh, जितना ध्यान रखना है उस तरह से उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी और ये सब पूरे घर भर को uh, जो है उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए कि किसी प्रकार का तनाव जो है ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि जो एक दूध पिलाने वाली माँ है वो किसी प्रकार से तनावग्रस्त हो क्योंकि देखिए उसकी मन की स्थिति उसकी शारीरिक स्थिति शिशु के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है और इन बातों को बहुत जो है ध्यान में रखने वाली बात है कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग मदर के लिए अब बात करते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद जो है दो मेजर भूल जो एज अ पेरेंट हम लोग करते हैं स्पेशली uh, माताएं करती हैं के सबसे पहले तो uh, उसके खिलाने पिलाने में पहली भूल कैसे के जन्म से ही माँ जो है जल्दी जल्दी अज्ञानता वर्ष बच्चे को दूध पिलाना uh, शुरू कर देती हैं अच्छा इसमें जो है माता uh, उसके दूध के पचने का ख्याल किए बिना एक एक घंटे में दो दो घंटे में उसे दूध पिलाना आ, का समय निश्चित कर लेती हैं। अच्छा बच्चे की भूख जागृत हुई या नहीं उसका उस बेचारी माँ भी पहली बार माँ बनती है तो उसे भी कई चीजें नहीं मालूम होती तो ये भारी गलती हो जाती है और ये अक्सर सभी घरों में होती है कि आवश्यकता से अधिक दुग्ध सेवन से बच्चे के पेट के पाचन तंत्र में खराबी आ जाती है अब बच्चे का जब पेट सही तरह से पाचन तंत्र नहीं सही काम करता तो उसके नींद में व्यवधान आता है अब देखिए महीने से लेके डेढ़ महीने तक का जो शिशु होता है 24 घंटे में वो 20 से 21 घंटे उस वह सोता है उसको सोना चाहिए अब दूध पीने के लिए घंटे घंटे या दो दो घंटे का जो टाइम टेबल है माताएं जो है वक्ष, आ, वो फिक्स कर लेती हैं उनको लगता है कि ये जरूरी है आ, तो बच्चे बच्चे को नहीं तो आ, पूरा पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो यहां मैं कहूंगी ये गहरी भूल है कई बार तो अक्सर माताएं क्या है कि जब इतनी देर बच्चे को रिक्वायरमेंट uh, है इतनी देर सोना तो घंटे घंटे में बच्चा स्वयं तो जागता नहीं है तो माताएं गहरी नींद से जगाकर उसको जो है उसका पेट जो है दूध से भर देती हैं अच्छा इस तरह से बच्चे को दूध पिलाने की जब आदत माए डाल देती है कि उनको एक्चुअली समझ भी नहीं आता कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है तो उनको एक ही कारण समझ आता है कि शायद भूख लगी होगी तो उसको दूध पिला दे पिला के और बच्चा भी इतना यूज टू हो जाता है कि वो दूध पिए बगैर सोता नहीं है लेकिन यहाँ जो एक बात समझने की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो प्रकृति ने उसे ये सेंस दे रखी है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार दूध पी लेता है और जब बच्चा अपनी आवश्यकता अनुसार पी लेता है भर पेट तो फिर उस दूध को पचने के लिए दो ढाई घंटे का समय चाहिए होता है और पाचन के बाद कुछ समय हमारे पाचन तंत्र को आराम भी मिलना चाहिए तो तीन साढ़े तीन घंटे से पहले जो है फीडिंग नहीं करानी चाहिए चार चार घंटे की अगर गैपिंग की आदत हो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर तीन तीन घंटे भी, भी माता है, बच्चे को आदत डालती है तो उस समय बच्चा स्वयं जो है उस जग जाएगा और उसकी सच्ची भूख जिसे कहते हैं वो उसे लगेगी जो जो बच्चा बढ़ता जाएगा तो त्यो त्यो जो दूध पिलाने का गैप है वो हमें बढ़ाते जाना चाहिए और भोजन जब अच्छी तरह पचेगा चार घंटे के भीतर पिया हुआ दूध जो है पच जाएगा उससे बच्चे की सच्ची भूख जागृत होगी जब सच्ची भूख जागृत होगी तो बच्चा जो है दूध की आ, के लिए रोएगा या तब उसको अपनी भूख की भी सेंस होगी कि कब उसको जो है भूख लगी है और कब वो रोएगा तब उससे माता जो है उस समय जब दूध पिलाएगी तो उसको बच्चे को भी जब एक बार बच्चा संतुष्ट हो जाएगा तो बिना भूख के वो बार बार दूध मांगेगा ही नहीं और ये आदत देखिए बचपन से की हुई बड़े होने तक क्योंकि जब माताएं भूख सच्ची भूख जागृत होने से पहले ही ओवर फीडिंग कराती जा रही हैं तो जीवन पर्यंत बच्चे को अपनी सच्ची भूख का आभास ही नहीं होता तो आदतन आदत के अनुसार बच्चा भोजन करना सीख जाता है और कई बार चीजों को देखकर खाने की चीजों की वस्तुओं की डिमांड करता है लेकिन यहाँ पे माताओं को जरूर ये समझना चाहिए कि प्रॉपर गैप से ही बच्चे की अपनी रियल सच्ची भूख जागृत हो जिसकी सेंस बच्चे को भी जो कि पैदा होते ही बच्चे को होती है माताओं की अज्ञानतावश माताएं उसको ओवर फीडिंग करा करा कर उसकी सच्ची भूख का उसको कभी आभास ही नहीं होने देती कि बच्चा जरा सा रोया और उसको जो है माता ने पिला दिया अब एक बात और जो है यह समझने की है कि बच्चे को रात को दूध जो है ना पिलाए जैसे 10 बजे तक जो सोने का समय है उससे पहले दिन में बच्चे को अच्छे से फीडिंग कराई जाए रात में जब माँ का सोने का समय है उससे पहले बच्चे को भरपेट फीडिंग हो जाए ताकि माँ और शिशु रात भर जो है आ, आराम करें ताकि माता को भी पर्याप्त रेस्ट रात रात भर जाग जाग के एक घंटे में माताएं जो दूध पिलाती हैं तो उससे चिड़चिड़ापन की पूरी जो उनकी आ, जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती तो इसीलिए आदत ही बच्चे को ऐसी डालनी है कि रात में 10 बजे तक आप जो है बच्चे को अच्छे से उसका दूध इत्यादि पिला के उसका पेट ताकि भर जाए और वो रात भर जो है आ, चैन से सोए और माता को भी विश्राम करने का मौका मिले जो कि बहुत आवश्यक है उसकी माँ की मानसिक स्थिति के लिए और सारा दिन भर की बिकॉज़ प्रेगनेंसी इट टेक्स अ टोल ऑन मदर्स बॉडी तो उससे रिकवर करने के लिए एक दूध पिलाने वाली माँ जो है इतने श्रम से गर्भ से और बच्चा पैदा करके जो उसके शरीर शा, में जो वियर एंड टियर हुआ है तो उसको प्रॉपर रेस्ट करना बहुत आवश्यक है अच्छे दूध के लिए अब बच्चे को एक ये भी शुरू से ही अलग सुनाने की भी आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चा जो है फैल के सोए हाथ पैर फैला के खूब और माँ के विकार से भी इस तरह से बच्चा दूर होता है रात में जो रोने का कारण होता है बच्चे का वो अक्सर भूख नहीं हाजमे की खराबी से बच्चा हाथ पटकता है। तो बच्चे को निरोगी बनाने के लिए जल्दी-जल्दी दूध नहीं पिलाना है। बच्चे के स्वाभाविक भूख की पहचान होनी बहुत आवश्यक है और जल्दी जल्दी अधिक मात्रा में पिलाएंगे तो उससे कभी भी बच्चे को सच्ची भूख की पहचान नहीं हो पाएगी और वो आदत के अनुसार या देख के भोजन को इस प्रकार से भोजन करने की उसे जीवन पर्यंत आदत पड़ जाएगी अब कितनी मात्रा में बच्चे की दूध की रिक्वायरमेंट है कितना दूध पीना चाहिए तो ये हर बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग है हर बच्चा अलग होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा सुस्त है और सदा सोया रहता है तो उस उसकी कंपैरेटिवली एक्टिव चाइल्ड जो है जो पूरे रूप से स्वस्थ है और अच्छे खासे तरीके से हाथ पैर पटकता है और एक्टिविटी लेवल उसका ज्यादा है तो ऐसे बच्चे का जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो उस बच्चे से अधिक होगी बच्चे का प्राकृतिक भोजन तो माँ का दूध ही है माँ के भोजन में माँ के दूध में उसके लिए उसके शरीर की बढ़ोतरी के लिए हर भरसक प्रकृति ने प्रयोग किया हुआ है आ, 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 मतलब व्यवस्था बिठाई हुई है जितनी आ, बच्चे के बढ़ने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है फैट्स की जरूरत है और उस बच्चे के नाजुक पाचन तंत्र में वो कैसे एसिमिलेट कर सके ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था प्रकृति ने की है और इस तरह से जो माँ का दूध है वो ही ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ जो है भोजन जो है माँ का दूध है लेकिन यहाँ पर एक बात है कि माँ का दूध जो है गुड क्वालिटी तभी होगा जब माताएं जो है दूध पिलाने वाली माताएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी और उस दूध के उत्पादन के लिए उनके खून में पर्याप्त पोषक तत्व होंगे और वो पोषक तत्व कैसे होंगे जब वह प्राकृतिक भोजन खाएंगी खूब सारे फल अपने दिनचर्या में सैलेड्स होल ग्रेन फूड्स और आ, क्या कहते हैं नट्स स्प्राउट्स खूब हेल्दी और सुपाच्य भोजन और माताओं को एक बात का और ध्यान रखना है कि वो कब्ज से भी बचे कॉन्स्टिपेशन ना हो अपना पाचन तंत्र वो भी स्वस्थ रखे ताकि उनका जो है ब्लड वो टॉक्सिक टॉक्सिसिटी से रहित हो और अच्छा जो है ब्लड बने न्यूट्रिय रिच क्योंकि उस पोषक तत्वों से भरपूर खून से ही जो है दूध बनेगा और वो सारे जो पोषक तत्व है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो सब बच्चे के दूध में पहुंच जाएंगे और जब बच्चा उसका सेवन करेगा तो बहुत ही अच्छे से उसका वर्धन होगा और परसेंट ऑफ द डिसीजे जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में पैदा होने के बाद जब बीमारियां जो होती हैं उसमें सबसे 80% परसेंट ऑफ द डिस में जो कारण होता है वो जो माँ का जो है विकार युक्त दूध होता है या अपर्याप्त न्यूट्रिय के कारण जो है वो बच्चे में विकार आता है तो इस तरह से माताओं को जो है ये ध्यान रखनी है अच्छा देखिए कुदरत ने तो प्रकृति ने तो बच्चे को भी ये सेंस दी हुई है कि उसे दूध कितना पीना है और यहाँ पे नेचर की फिर मैं कहूंगी दिव्यता है जिसे हमें समझने की जरूरत है अब अक्सर जैसे कि अज्ञानता वर्ष जैसे मैंने क्या कहा या प्यार प्रेम वश माताएं जब ओवर फीड करा देती है तो बच्चा जो है आवश्यकता से अधिक जब पी लेता है तो वो दूध जो है बाहर फेंकता है वॉमिटिंग हो जाती है उसको तो वॉमिटिंग हो जाती है तो वो दो चार दिन जब अति उसको फीडिंग कराई जाती है तो ऐसे में माताएं घबरा जाती हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चा जो है बीमार हो गया या किसी की नजर लग गई याद रखिए कि जब बच्चा वॉमिट करेगा और उस दूध में अगर बदबू है तो वो एक रोग का संकेत हो सकता है लेकिन जब अति भोजन या अति फीडिंग की वजह से बच्चा जो दूध फेंकता है तो उसमें कोई बदबू नहीं होगी इस तरह से माताओं को ये समझना है कि प्रकृति का ये प्रबंध है जिसके चलते बच्चा जो है एक्सेस फीडिंग जो आपने करा दी है वो उसे निकाल रहा है और उसको निकालते ही आप देखेंगे कि बच्चा जो है एकदम मस्त हो गया और वो प्लेफुल क्योंकि हल्का हो गया तो वो एकदम खेलकूद में मस्त हो जाता है इसका मतलब है कि उस समय पर माताओं को घबराना नहीं है ये नहीं सोचना कि बच्चे को नजर लग गई है या बीमार हो गया है कुछ दिक्कत आ गई है और उस चीज को पहली भूल तो उन्होंने ओवर फीडिंग की करी और दूसरी भूल जो माताएं करती हैं, वो करती हैं कि ऐसी छोटी मोटी समस्याओं में बच्चे को दवाई पिला देती है तो ऐसी सिचुएशंस में हमने शुरू से ही बच्चे का जो है बच्चे के शरीर में विकार डालने शुरू करती है अनजाने में और वो विकार धीरे धीरे बच्चा जब बढ़ता चला जाता है तो वो विकार जो वो टॉक्सिक्स जो आप हम मेडिसिन के फॉर्म में डालते हैं वो आगे जो है रोग बन के सामने आते हैं जिसके लिए हमें समझ नहीं आता उस समय कि अरे हम तो बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे कैसे बच्चा बीमार हो गया तो याद रखिए बिल्कुल वही प्रकृति का सीधा सिद्धांत है कि नेचर इट सेल्फ इज डॉक्टर हमारे पास हमारी दिव्यता में शिशु के शरीर में वो दिव्यता देखिए मौजूद है पैदा होते ही उसे पता है कि उसका भोजन उसे कैसे मिलना है हमारे शरीर माताओं के शरीर में मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रकृति ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है तो अगर कोई दिक्कत आती है या कोई उसको बच्चे को परेशानी आती है तो उसका कुछ प्राकृतिक तरीका जो है कैसे उसका जो है उसके पाचन तंत्र को रेस्ट देना है मैंने जैसे बताया कि साढ़े तीन घंटे चार घंटे हेल्दी चाइल्ड के लिए फीडिंग का गैप होना चाहिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो गैप हम बढ़ाते जाते हैं लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो तब वो गैप और बढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चे को जो आ, पाचन में एनर्जी जानी है वो उसके हीलिंग में जाइए जाए, जाए। सिद्धांत देखिए वही है कि हमारा जो है उपवास एक तरह से बच्चे का हो जाता है अगर अगर आप उसको दूध नहीं अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उस समय थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए अपने आप बच्चा जो है शरीर जो है बच्चे का अपने आप स्वयं जो है बच्चे के जब पाचन तंत्र को रेस्ट मिलेगा तो अपने आप उसकी भूख जागृत होगी अपने आप बच्चा डिमांड करेगा और उस समय जो पिलाना है तो वो बच्चे के लिए हितकर होगा और किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन या औषधि की किसी प्रकार के बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है सिर्फ माताओं को हेल्दी बच्चों के लिए अपने जो है अपने भोजन का ध्यान रखना है विशेष तौर पर के जंक फूड ना खाएं और ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं खाएं और अगर अच्छा दूध क्वालिटी वाला दूध बने तो उसके लिए जो भी एक्सेस सॉल्ट शुगर एक्सेस ऑयल्स, फैट्स, जंक, जितने भी ये जो आ, आ, ये फैक्ट्री मेड पैकेज्ड गुड्स है आ, उनका सेवन नहीं करना है बल्कि चोकर समेत आटा खाना की रोटी खानी है कन समेत चावल खाने हैं और जिससे कि उनको कब्ज इत्यादि ना हो माता स्वस्थ रहेगी तभी उनका दूध जो है अच्छी क्वालिटी का बनेगा और सात्विक मानसिक दशा का अपना ध्यान रखे ताकि उसका जो प्रभाव है बच्चे के न केवल स्वास्थ्य पे और स्वभाव पे आ, उसका प्रभाव ना पड़े अब इसके बाद जो है ये सब बातें ध्यान रखते हुए अब कुछ टिप्स अगर मैं देना चाहती हूँ कि आप नोट करना चाहे तो कि बच्चे के जैसे कई बार क्या होता है माताओं के दूध का Uh, उत्पादन कैसे बढ़े जितना वो सकिंग uh, बच्चा करेगा जितनी बार उसको फीडिंग कराएंगे उतना ही मैसेज वो ब्रेन पे पिट्यूटरी पे जाएगा और वो जो प्रोलेक्टिव हार्मोन uh, जो है मिल्क सिक्रीट करेगा मिल्क ग्लैंड जो है वो मिल्क सिक्रीट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग जो है अगर दूध नहीं है तो उसमें जो है ये बढ़ाने में कारगर होता है अब जो है कुछ चीजें भोजन में ऐसी क्या माताएं करें जिससे कि उनके दूध का उत्पादन यदि किसी सबसे पहले तो उनको अपने सेहत का ही ध्यान रखना है अपने भोजन का ध्यान रखना है फिर भी अगर किसी कारण से दूध इतना नहीं उतर पा रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए आ, मेथी जो है मेथी का सेवन आ, जो है वो बहुत कारगर है आ, थोड़ा सा आ, मेथी को पीस के जैसे भिगो के और उसको पीस के थोड़ा सा एक चम्मच के करीब खाए अगर वो प्रतिदिन तो उससे दूध का उत्पादन बढ़ता है अब जो है एल्फा 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 एक बीज का नाम है जो कि स्प्राउट्स की फॉर्म में ले सकते हैं चाय उसकी बना सकते हैं और उसका जूस भी बना सकते हैं कैरेट गाजर के साथ और इस तरह से बहुत ही न्यूट्रिशियस और फुल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ये जूस जो है यदि माताएं अगर वो खाएं तो उनका जो है इफेक्टिव फूड इफेक्टिव जो प्रोडक्शन हो सकता है इसके बाद जो है खरबूजा जो है आजकल देखिए खरबूजे का मौसम है उसके अंदर कॉम्बिनेशन है कैल्शियम का पोटेशियम का सोडियम का और वो स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन का नर्सिंग मदर्स के लिए तो उसका सीजनल फ्रूट्स है जब भी, भी सीजन हो ऐसे फलों का तो उसका सेवन करिए और अगर कच्चा पपीता की सब्जी बना के खाई जाए तो वो भी एक ऐसा तरीका है जिससे के आ, उनका जो मिल्क का सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होता है तो ये कर सकते हैं होल पोटैटोस यानी के छिलके के समेत अगर आ, आलू को रोस्ट बेक कर लिया जाए उसकी उसके छिलके समेत अगर उसको ओवन में हम बेक कर ले तो वो बहुत ही रिच पोटेशियम रिच बन जाता है और वो जो है बहुत ही बढ़िया माताओं के स्वास्थ्य के लिए उपकारी है इसके साथ साथ देखिए जो काली दाल है उड़द की दाल जो है जैसे कि चौलाई का साग है और काली उड़द की साबुत दाल है तो ये जो है ले अगर वो तो उससे भी उनके मिल्क प्रोडक्शन में फायदा होगा इस तरह से जो है मिक्सचर ऑफ अगर वो जो है आ, लेते हैं है, है एम्प्टी स्टमक उसको जो है अगर वो आ, पानी के साथ ले तो ये बहुत कारगर है अक्सर माताओं के लिए घरों में जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं वो सौफ का पानी बना के भी रखती हैं तो इसीलिए ताकि वो ले जिससे कि उनका आ, मिल्क जो है अच्छे से प्रोड्यूस हो और इसके साथ साथ जो लोग गार्लिक खाते हैं लहसुन खाते हैं और जो टैमरिंड है कॉटन सीड्स हैं इस तरह के जितने भी है सूप्स बना सकती हैं जो के काले चने का सूप है और इस तरह से ये सारे के सारे जो भोज्य पदार्थ मैंने बताए के ये सारे के सारे अगर अपनी डाइट में इनकलकेट करेंगे तो उनका जो है मिल्क प्रोडक्शन में स्टिमुलेशन में सिक्रीशन में उनको मदद मिलेगी वैसे तो नेचुरली ही मदर्स का मिल्क होगा ही अगर लेकिन कभी दिक्कत आती है जिनका कम है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार का डिब्बा बंद दूध या पाउडर मिल्क उन सब चीजों का सहारा ना लेकर घर में ही कुछ ऐसे अपने भोजन में चेंज करें जिससे कि उनका नेचुरली जो है मिल्क अच्छा बने और अपना जो क्या कहते हैं मन को मानसिक दशा को हमेशा खुश रहे प्रसंचित रहे क्योंकि आपकी मन मन की स्थिति जो है होने वाले बच्चे की जो है स्वभाव का निर्माण करने में मदद करेगी तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी नमस्कार डॉक्टर सुनीता लेटर कैरी ऑन ऐसे मेरा सवाल यह है मैडम कि आपने बताया रात को लेट से अराउंड अराउंड टेन ओ के बाद में और सुबह तक और आप आपने अभी खुद भी आ, मतलब ये अभी बताया था कि हर दो तीन घंटे में जरूरत पड़ती है नवजात शिशु को तो हाउ डू वी रिकॉन्साइल मतलब दस बजे के बाद और फिर वो दो तीन घंटे के बाद में ही विल इन द इनिशियल से इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स हाउ डू यू रिकॉन्साइल उसमें यही है कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एक घंटा दो दो घंटे पे रिसर्च ने ये बताया कि उनको पिलाने की रात को उठ उठ के पिलाने की जरूरत नहीं है और शुरू में हम जैसी आदत मैंने बताया ना शुरू में माताएं जरा सा बच्चा रोया तो उसको दूध पिला दिया फिर क्या होता है बच्चे को भी आदत पड़ जाती है कि वो दूध पिए बगैर सोता नहीं है तो अगर हम शुरू से इस बात का ध्यान रखें तो उसी तरह से जो है आ, उसका सिस्टम बन जाएगा और ओवर फीडिंग एक्चुअली में ज्यादा होती है बच्चे को जितनी आवश्यकता होती नहीं है उससे ज्यादा फीडिंग कराई जाती है और अगर रात में बच्चे को भूख लगेगी अक्सर क्या होता है कि रात में जो बच्चा रोता है वो पेट का जो पाचन तंत्र का जो हाजमे की खराबी है उसके कारण अक्सर ये पाया गया है रिसर्च ने कि वो ज्यादा कारण होता है तो अगर जैसे मान लीजिए रात को दस बजे सोया है तो अगर बच्चा उठता भी है कभी किधर तो उसको जो है उसका कारण एक तो समझना बहुत जरूरी है और नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसको हर घंटे घंटे में जो गलती हम करते हैं कि हर घंटे घंटे में पिलाते हैं या दो दो घंटे में तो थोड़ा सा गैपिंग शुरू में थोड़ा सा गैपिंग जो है अगर दो ढाई घंटे का तो उसको तीन चार घंटे का ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम बढ़ा सकते हैं राइट right. जी नमस्कार डॉक्टर सुनीता जी नमस्कार जी नाम ना बताएं अपना अनीता भाटिया बोल रही हूँ ओ अनीता जी दिखी नहीं थी आप मुझे जी ऑन किया हुआ है अब दिखिए आपको जी 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 डॉक्टर साहब मेरे ना इधर रात को आज रात से बीचों बीच से, पेट में और सीने में दर्द बना हुआ है तो मैं दो तीन बार उठी रात को मैंने हींग डाल के, काला नमक डाल के गरम पानी पिया फिर भी मेरे पेट में अभी भी मीठा मीठा दर्द बना हुआ है तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ खा लूँ या देसी तरीका बता दीजिए जिससे दर्द फास्टिंग आप डायबिटिक हैं हाँ मैं डायबिटिक हूँ तो आप वैसे तो कोई भी जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी एलिमेंट हो अभी बच्चों के लिए मैंने मैं बताया कि अगर बीमारी है तो फास्टिंग यानी कि थोड़ा सा जो है भोजन में अंतराल बढ़ा दीजिए आप लेकिन डायबिटिक हैं तो आप क्या कहते हैं फल फ्रूट खा सकते हैं एनर्जी लेवल ताकि बढ़ा रहे लेकिन कोई भी गरिष्ठ भोजन ना करे और ये मेरे ख्याल इस समय जो है पर्सनल क्वेश्चन ना ले हम जो सब्जेक्ट पे चल रहे हैं तो उसी पे चलें और आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करिए प्लीज कोई पर्सनल समस्या के लिए अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक चीज सबके फायदे की बात आप अगर करें तो जैसे आजकल जो माहौल बहुत बिगड़ रहा है तो उसके लिए एक दो चीजें ऐसे बता दीजिए जिसको हम लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें ये जो कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है इसके लिए जी 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 बिल्कुल अगला लेक्चर कोरोना केयर पे राइट ठीक है अगला मैं लेक्चर लेक्चर जो है इसी पर देती हूँ आपको ठीक है जी जी, जी तो जी मैं अच्छे से और आ, क्या कहते हैं बहुत सारी बातें हैं क्योंकि कोरोना के बारे में भी तो इसलिए इसकी जो विस्तार से चर्चा करेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे बाय बाय थैंक यू डॉक्टर Thank you very much.